हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज़। आज हम कॉस्ट मैनेजमेंट के ऊपर जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि जो पास्ट ईयर में जो पेपर्स रिपीट हुए हुए हैं उनमें से कौन कौन से थ्रेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्रीफ में लिखा है आपको बताने के लिए कि अगर आपका कल एग्ज़ाम है तो आप एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह कवर करके जाइएगा, और जो इसके अलावा आप कर सकते हो वो तो अच्छा है कि जितना आप कर सकते हो, कि हमें हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन ये वाले क्वेश्चंस कल के एग्ज़ाम के लिए आप एटलीस्ट करके जाइए क्योंकि ये पास्ट ईयर में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो हम पहले मैं यूनिट सेकंड से बता रही हूँ आपको। जो यूनिट सेकंड है उसमें सबसे पहले आपने अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का डिफरेंस करना है और मार्जिनल कॉस्टिंग की एप्लीकेशंस करनी है। देखो, जो अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग का डिफरेंस है वो मैंने करवा रखा है, आप प्ले लिस्ट पर जाके चेक कर लेना। और इसकी एप्लीकेशंस थी वो मैंने आपको कहा था कि मैं करवा दूंगी। मैं अपनी तरफ से 100% इसको ट्राई करूंगी करने के लिए कि कल तक ये हो जाए। अगर फिर भी नहीं हो पाया तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन आपने करके जाना है। एप्लीकेशंस में क्या है कि कहाँ कहाँ पर मार्जिनल कोस्टिंग अप्लाई होती है, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं वो आपके लिए करके जाने हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन बजट एंड बजटरी कंट्रोल। ये वो क्वेश्चन बहुत बार आता है और ये हमने यूट्यूब पे मैंने अभी अपलोड कर भी दिया है। प्रोसेस और उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है यूनिट सेकंड में से। इसके अलावा जीरो बेस बजटिंग के बारे में आप पढ़ के जाइएगा, मतलब आपने पढ़ के जाना है, ये कंपलसरी है। जीरो बेस बजटिंग क्या है? वो वाली बजटिंग होती है जिसमें हम जीरो बेस मान के चलते हैं, जिसमें कोई बेस पीरियड नहीं होता। इसके आप मीनिंग, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल बजट और फिक्स बजट क्या होता है, ये मैंने आपको करवा दिया है, आप उसको प्ले लिस्ट से चेक कर लेना, ठीक, ये क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज डिफरेंट फ्रॉम बजटरी कंट्रोल। ये काफ़ी बार नहीं आया हुआ एग्जाम में, लेकिन फिर भी आप एक बार अपने लिए, मतलब एक बार पढ़ना चाहते हो तो इस क्वेश्चन को भी पढ़ के जाना कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ज़्यादातर यही क्वेश्चंस मतलब बनते हैं आपकी सेकंड यूनिट में से, और यही क्वेश्चंस जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए हुए हैं, तो आप ये क्वेश्चंस एटलीस्ट करके जाइएगा, ठीक है। इसमें से मैक्सिमम मैंने करवा दिए, कुछ चीज़ें रह गई तो वो आप कल तक मतलब आपका कल एग्जाम है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ मैं करवा दूँ, तो आप एटलीस्ट इनको पढ़ के जाइएगा। बाकी मेरी आपके वो सजेशन है कि अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छे तरीके से आते हैं तो उनको अटेम्प्ट करने के, मतलब उनको पहले प्रेफरेंस देना, अगर नहीं आते हैं तो फिर आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज यूनिट वन। जो यूनिट वन है उसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है स्टेट द एक्सप्लेन द नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट के फायदे क्या हैं, और उसके बाद में उसका इंपॉर्टेंट एरियाज। देखो, जो इंपॉर्टेंट एरियाज है, मतलब कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या क्या करते हैं हम, इसमें सारे चैप्टर्स के नेम है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये सब कुछ करते हैं इसमें, बेंचमार्किंग। तो ये सारा क्या है कि टेक्निक्स, मतलब कहाँ कहाँ पे कॉस्ट मैनेजमेंट अप्लाई होती है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको जो अनदर क्वेश्चंस हैं, जो ये बाकी के चैप्टर्स हैं, उनमें से जॉब वर्सेस बैच कॉस्टिंग वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ हुआ है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग काफ़ी बार रिपीट हुआ हुआ है, और यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। और इसके अलावा मेरी आपको सजेशन है कि इन सभी में कुछ नहीं है, सिर्फ इनका मीनिंग और इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ के जाइएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ये वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बाकी के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जॉब वर्सेस बैच का डिफरेंस, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, और एक ना क्वेश्चन यहाँ पे मेरा रह गया बताना कि आपको एक क्वेश्चन और भी आ सकता है 15 मार्क्स के लिए कि जॉब और बैच कॉस्टिंग क्या होती है, इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशन लिखो, तो वो 15 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन अकेला भी आ सकता है और डिफरेंस के साथ भी आ सकता है, तो ये आपने चैप्टर की मतलब करके जाना है। और इसके अलावा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है और टारगेट कॉस्टिंग मतलब ये क्या होता है, इनका मीनिंग आपने पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये था मतलब इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें से मुझे जो लगता है कि ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना चाहिए, जो हमने मैंने बजट वाला करवा दिया, एक एप्लीकेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग वाला जिसमें डिफरेंस भी है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर इसमें से हम देखें तो इसमें से जो हमारा क्वेश्चन है बजट कॉस्ट मैनेजमेंट वाला, और ये जो तीन टॉपिक्स हैं बार बार रिपीट हुए हुए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट आप इनको कवर करके जाइएगा। मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी कि मैं एप्लीकेशन वाला आपको करवा दूँ। अगर कल तक मेरे लिए नहीं पॉसिबल हो पाया तो एटलीस्ट आप एक बार इसको पढ़ लेना, तो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। अगर इसके अलावा आपका आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मॉर्निंग से मुझे काफ़ी मैसेजेस मिले थे, तो मैंने सोचा कि मुझे एटलीस्ट उस पर इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बना देनी चाहिए। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और आपने ये क्वेश्चंस करके जाने हैं, ठीक है। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल के नीचे कमेंट कर देना।